हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास ट्वेल्थ एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन ये पार्शियल फ्रैक्शन के बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान से बस देखने की ज़रूरत है। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखोगे तो ज़रूर समझ में आएगा, ज़्यादा टफ नहीं है। आओ करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं क्या है। ये 2x-3/(x²-1)(2x+3) ये हमें गिवन है। इसको इंटीग्रेट सबसे पहले चेक कर लेना है ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है या नहीं। तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी, x³, और ऊपर x² क्या है, 1। ऊपर लीनियर फंक्शन है। तो अब इसको करेंगे क्या, पहले तो ये स्क्वायर बन रहा है, इसको ओपन कर देंगे। क्या बना हमारा 2x-3, इसमें a² माइनस, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे a² - b² की आइडेंटिटी क्या होती है, a+b। ये आइडेंटिटी आप लोगों को पता होगी कि 9th से और 8th से ही वो यूज होने लगती है आइडेंटिटी। यही यहाँ पर अप्लाई करेंगे, देखिए क्या होगा, x-1 x+1। 2x+3 जैसे है सेम वैसे उतार देंगे। अब बच्चों क्या करेंगे, सब देखो लीनियर फॉर्म में है, नीचे रैखिक समीकरण के रूप में है। अब इसको हम क्या मान लेंगे, a/a, b/a, c/a। जब ये ऐसे फंक्शन हो, इस तरह मल्टीप्लाई में लीनियर फंक्शन हो, रैखिक समीकरण के रूप में हो, तो उन्हें हम कैसे लिखते हैं, देखिए। लेट 2x-3/(x-1)(x+1) 2x+3। अब ये सभी लीनियर फंक्शन है, कैसे, क्योंकि इन सब की पावर क्या है, 1 है। जिस में जब पावर 1 होती है किसी टर्म की, ये पूरा एक टर्म है, ये एक टर्म है, इनकी क्या है, एक पावर है, x की पावर क्या है, 1। अब जब पावर 1 होती है तो लीनियर इक्वेशन होती है, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर। अब इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको रफ कर देते हैं बच्चों, इसको रफ कर देते हैं, देखो कैसे लिखते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिखेंगे, ये पहले क्वेश्चन में भी अप्लाई हो गया है, x+2 और c/2x+3। ये अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे अब देखिए इसका डिनोमिनेटर है, ये छोड़ देंगे, इन दोनों से एक को मल्टीप्लाई कर देंगे, x+2 2x+3, और b के नीचे ये है, इसको छोड़ेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x-1 2x+3 प्लस सी। अब सी ये छोड़ देंगे, इसको लिखेंगे, सॉरी यहाँ 1 है, ये लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, सी लिख दिया, x-1 और x+1 ये कर दिए। अब एलसीएम क्या आएगा हमारा, वो नोट कर लेते हैं, x-1 x+1। अब बच्चों ये आ गया, तो ये हमारा क्या होगा, कैंसिल होगा। ये कब होता है, जब पूरे का एलसीएम हो, तभी इधर इधर भी पूरे का पॉन हो, इधर भी, या तो मल्टीप्लाई में हो तब कैंसिल होता है। ऐसे बच्चों को भी मत काटिएगा। अब इसको लिख देते हैं 2x-3 पर भी क्या आ जाएगा, ये लिख देते हैं x+1 और 2x+3 + b x-1
2x प्लस 3 प्लस सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? आराम से चाहिए ऐसे ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अगर खोलना चाहो तो ये क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये एक इक्वेशन अब बन गई। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ देखिए x प्लस 1 है, अगर x की जगह माइनस 1 रख दे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो हमें b की वैल्यू निकल आएगी। तो लिख लेते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू जीरो ऑन दिस इक्वेशन, तो x की जगह जीरो, जीरो नहीं सॉरी माइनस 1 प्लस का है, यहाँ माइनस 1 रखेंगे जहां जहां x है, ये हमारा टर्म पूरा जीरो हो जाएगा ऑलरेडी, क्योंकि माइनस का और प्लस का कैंसिल, जीरो जीरो से इंटू करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ क्या आएगा, इसमें लिख लेंगे ये तो जीरो हो गया, यहाँ माइनस 1 रखेंगे प्लस 3, ये भी क्या हो जाएगा जीरो, में माइनस प्लस कैंसिल होगा तो ये क्या आ जाएगा जीरो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा माइनस 2 माइनस 3 क्या होगा माइनस 5, ठीक। अब ये माइनस 2 आएगा इतना, अब ये क्या आएगा माइनस 2, 3 में माइनस 2 होगा 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2b हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2/5 आ जाएगी, तो हमें b पता लग गया। अब हम निकालेंगे क्या, अब हम x इज इक्वल टू 1 रख देते हैं, x की वैल्यू 1 रखते हैं, फिर देखते हैं क्या निकलता है। पुटिंग x इज इक्वल टू 1 ऑन, अब इक्वेशन ये जो दी गई है यहाँ पर रखते हैं, देखिए क्या है, यहाँ पर अगर 1 रखा जाए तो 2 1 2 माइनस 3, 2 में माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों माइनस 1 आएगा, 2 1 2 अब 3 ये प्लस का है माइनस का घटेगा तो माइनस 1 आएगा। अब यहाँ 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाए, ये 1 1 2 ठीक 2 आया, और 2 1 2 2 3 5 और 5 2 10 हो जाएगा, ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा 10a, ये 1 रखेंगे तो ये पूरा जीरो होगा क्योंकि ये माइनस का है, प्लस माइनस कैंसिल जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, तो ये दोनों टर्म जीरो हो गए, तो a की वैल्यू क्या आ गई -1/10 आ गई, a की जो वैल्यू है -1/10 आ रही है। यहाँ पे 1 रखा 2 हो गया, ये 5 हो गया, 5 2 10, इसलिए ये तो एक मालूम चल गया, बी मालूम चल गया, अब हमें सी निकालना है। तो सी निकालने के लिए हम इस इक्वेशन में क्या पुट करें, तो हमारा ए 1 हो गया -1 हो गया, यहाँ से वैल्यू ले लेते हैं ठीक, एक्स की जगह हम क्या रखेंगे -3/2, तो यहाँ लिख लेते हैं ए आ गया, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू -3/2 यहाँ से आ जाएगा। तो जब x की वैल्यू यहाँ पर अगर हम ये 2x-3 लिखा हुआ 2x+3, अगर x की वैल्यू हम यहाँ पर -3/2 रखें तो 2 से 2 कैंसिल क्या आया -3 + 3, तो ये टर्म क्या होगा पूरा जीरो हो जाएगा, उसी तरह ये भी क्या होगा जीरो हो जाएगा ठीक। तो ये तो हमारे दोनों a और b जीरो हो जाएंगे। यहाँ अगर x की जगह 3/2 रखेंगे तो क्या आएगा -3/2 -1 और यहाँ -3/2 + 1 क्या आता है, देखिए एलसीएम लेंगे 2 1 2
टू थ्री फाइव माइनस फाइव बाई टू, ये टू वन जा टू, टू में अगर हम माइनस थ्री करेंगे तो माइनस वन आएगा अपॉन टू, तो माइनस माइनस प्लस फाइव बाई फोर। ये हमें क्या पता लग गया, इधर का टर्म में पता लग गया। अगर एल एच एस में अब एक्स की जगह वैल्यू पुट करें, टू इंटू माइनस थ्री बाई टू माइनस थ्री, टू से टू कैंसिल, ये क्या आ जाएगा माइनस सिक्स। ये हमें माइनस सिक्स उधर पता लग गया, तो यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं क्या आया माइनस सिक्स। इधर ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे, ये हमारा क्या आ रहा है प्लस फाइव बाई फोर सी, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, जो सी आएगा वो हमारा आएगा माइनस ट्वेंटी फोर अपॉन फाइव, ये सी की वैल्यू आ गई। अब हमें ए भी पता हो गया, बी भी पता हो गया और सी भी पता हो गया। अब हम सम्स को सॉल्व करते हैं। ये बच्चों अलग इतना सम्स है, ध्यान रखिएगा। अब हमें कौन सी ये वैल्यू के इक्वल ये थी, यही नोट करेंगे। क्या था हमारा 2x माइनस थ्री अपॉन x माइनस वन x प्लस वन और 2x प्लस थ्री का डी एक्स इक्वल टू क्या माना गया है a अपॉन दिस। a की वैल्यू क्या है हमारी, a की वैल्यू निकली है माइनस वन अपॉन टेन और a की जगह क्या था x माइनस वन डी एक्स प्लस b की वैल्यू क्या निकली है हमारी टू बाई फाइव, टू बाई फाइव निकली वन अपॉन एक्स प्लस वन, वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस c की वैल्यू क्या है माइनस ट्वेंटी फोर, माइनस ट्वेंटी फोर अपॉन फाइव, क्या था वन अपॉन टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स। अब इसको ओपन कर देते हैं, क्या आता है इसका क्या होगा log x माइनस वन अपॉन टेन, यह यहां लिख लेते हैं नीचे, यहाँ स्पेस कम है, क्या आ जाएगा माइनस वन अपॉन टेन log मॉडुलस x माइनस वन, इसमें फिर प्लस टू बाई फाइव और इसका क्या होगा log मॉडुलस x प्लस वन और प्लस ये माइनस ट्वेंटी फोर अपॉन फाइव, इसका क्या होगा इसका वन अपॉन टू भी तो आ जाएगा, वन अपॉन टू लॉग मॉडुलस टू एक्स प्लस थ्री प्लस सी। ये कैसे आया टू दिखा देता हूँ, देखिएगा अगर टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू टी आ गया, अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका वन होगा टू वन जा टू, ये जीरो हो जाएगा, तो टू प्लस जीरो टू, ये क्या होगा डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी वन अपॉन टू डी टी, इसलिए वन अपॉन टू आया है। ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगला सम्स करते हैं, पॉज द वीडियो नोटेड डाउन। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 11 करते हैं सॉरी, 5x अपॉन x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 4। अब नीचे भी ये देखो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, पूर्ण वर्ग बन रहा है, इसको हम कैसे करेंगे देखिए, x स्क्वायर माइनस 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसमें क्या लग गई आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, इसको उसमें ओपन कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5x अपॉन x प्लस 1 और x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस बाद में लिख सकते हो डी एक्स, इस फॉर्म में इसे लिख दिया। अब क्या करेंगे सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा हो गया, लेट 5x अपॉन एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू
इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन x प्लस वन प्लस b अपॉन x प्लस टू प्लस c अपॉन x माइनस टू। अब तो कर सकते हो बच्चों, क्योंकि ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्यों इसके पहले वाला सम सेम है, फिर भी सॉल्व कर देते हैं। देखिए अब एलसीएम ले लेंगे तो डिनोमिनेटर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, इसको लिखने कोई भी जरूरत नहीं। अब ए का डिनोमिनेटर ये है, जिसको छोड़ देंगे ये दोनों बच्चे, उसे लिख देंगे x प्लस टू एक्स माइनस टू। फिर बी, अब ये डिनोमिनेटर छोड़ दो, ये दोनों लिख दो, सिंपल सा आसान टेक्निक में सोचिए, प्लस सी। अब ये डिनोमिनेटर है, इसको छोड़ दो, ये दोनों बच्चे इसको लिख दो, ठीक। अगर थोड़ा साइड से लिखें तो वो जगह भी दिक्कत नहीं होगी, किनारे से लिख लेते हैं, 5x, क्योंकि फिर जगह शॉर्ट, ए ये डिनोमिनेटर हटा दो, ये दोनों बच रहा है आगे के, वो लिख लो x प्लस टू एक्स माइनस टू, प्लस बी, अब ये डिनोमिनेटर छोड़ देते हैं, इन दोनों को लिख लो, प्लस सी, इसको छोड़ दो, ये दोनों लिख लो x प्लस वन और x प्लस टू। अब जैसा ये इक्वेशन बन गई तुम्हारी, मान लो फर्स्ट है ये इक्वेशन है बच्चों, और कुछ मत समझ लेगा। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, क्या x प्लस टू है, ये यदि x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस टू। तो इस इक्वेशन में हम x की जगह माइनस टू पुट कर देंगे, यहां लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस वन माइनस टू सॉरी। अब तो यहां x की जगह अगर हम टू पुट करें तो क्या होगा, फाइव टू जा टेन, यहां फाइव इंटू माइनस टू आ जाएगा। अब अगर यहां पर हम माइनस टू लिखेंगे ऐसे, सो कर देते हैं एक बार, x की जगह सब माइनस टू लिख देना है। तो अब क्या हुआ, ये कैंसिल हो गए, और ये तो कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल, अब ये जीरो आएगा, जीरो से इंटू करेंगे तो बच्चों क्या होगा, पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, उसी तरह ये जीरो हो जाएगा, ठीक। फाइव टू जा टेन, ये क्या आएगा, अब ये क्या आएगा, माइनस वन, माइनस टू प्लस वन अपोजिट साइन है, घटेगा साइन ग्रेटर नंबर का, तो माइनस वन आया, इसमें माइनस फोर आएगा, सेम साइन है, ऐड होगा, दोनों माइनस के, माइनस में लिखेंगे तो फोर वन जा फोर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस क्या आ जाएगा, फोर बी, यहाँ फोर बी लिख देंगे, तो बी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, जो बी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस टेन अपॉन फोर, टू फाइव जा टू टू जा, तो ये हमारी बी की वैल्यू आ गई माइनस फाइव बाई फोर। अब हम क्या करेंगे, एक्स की जगह टू पुट करेंगे, देखिए पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस सॉरी प्लस टू, अब प्लस टू x की जगह पुट करेंगे, जहां जहां x है टू रख दिया, यहां x जहां भी है x, तो टू प्लस टू, यहां भी प्लस टू, फिर है माइनस टू प्लस बी, फिर x की जगह प्लस टू, यहां प्लस टू प्लस सी, यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस टू प्लस वन, और यहाँ टू प्लस टू। अब बच्चों क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, जीरो हो जाएगा पूरा टर्म, ये भी जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो गया, बचा क्या हमारे पास, टू वन थ्री और ये टू टू फोर, तो फोर थ्री जा ट्वेल्व आ जाएगा, फाइव टू जा टेन, और वो क्या आएगा, ट्वेल्व सी, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, टेन अपॉन ट्वेल्व, टू फाइव जा टेन, टू सिक्स जा ट्वेल्व, तो सी की वैल्यू बच्चों क्या आ गई हमारे पास, फाइव अपॉन सिक्स, ये सी की वैल्यू हमारी निकल आई यहाँ, और
डी की वैल्यू यहाँ आई थी माइनस फाइव बाई फोर, ये डी की वैल्यू थी। अब हमें चाहिए ए, तो ए निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स की जगह हम एक्स प्लस वन, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी माइनस वन, तो एक्स की वैल्यू अब माइनस वन पुट करेंगे। देखिए पुटिंग एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ऑन गिवन इक्वेशन, अब इसमें एक्स की जगह हम माइनस वन पुट करेंगे, यहां एक्स की जगह हम क्या लिखे माइनस वन। देखिए जहां एक्स है वहां क्या लिखना है माइनस वन प्लस टू, फिर माइनस वन माइनस टू प्लस बी एक्स की जगह, ये प्लस सी एक्स की जगह में क्या लिखना माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस टू। अब इसमें देखिए कैंसिल क्या हो रहा है, ये पूरा बी वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये हमारा कैंसिल हो गया, सी और बी जीरो हो गए, तो यहाँ बचेगा क्या हमारा, इसमें बचेगा वन इसमें माइनस टू, तो माइनस वन और माइनस ये माइनस थ्री हो गया, माइनस थ्री तो थ्री वन जा थ्री माइनस थ्री सी आ जाएगा, ये फाइव वन जा फाइव और माइनस थ्री सी, तो ये हमारा माइनस से माइनस कैंसिल, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइव पाई बाई थ्री, फाइव बाई थ्री ये आ गई हमारी सी। अब हम क्या करेंगे चेक कर लीजिएगा बच्चों अपने आप भी, अगर मिस्टेक हो जाए तो आप लोग कैलकुलेशन सही करिएगा, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए तो उसको अपने आप करिएगा, सेम छापिएगा नहीं, टेक्निक आप लोगों को देखनी है कैसे सम्स को अटेम्प्ट करना है, जब फंसिए तब वीडियो देखिए, अदरवाइज खुद क्वेश्चन सॉल्व करने को अपना मन बनाइए। अब देखते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं, देखिए वैल्यू पुट करते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या था, ये फाइव एक्स अपॉन एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, इसके इक्वल हमें क्या लिखना है, ये ए की वैल्यू क्या निकली थी पहले हमारी, ए की वैल्यू बी निकल चुका था हमारा, बी निकला है सी निकल चुका, यहां पे ए निकला हुआ है, ये बच्चों क्या है ए फाइव बाई थ्री क्या है वन अपॉन एक्स प्लस वन, फिर बी है बी की वैल्यू आ रही माइनस फाइव बाई टू क्या एक्स प्लस टू डी एक्स, और सी की वैल्यू जो आई प्लस में ही आई है प्लस फाइव बाई सिक्स क्या था एक्स माइनस टू डी एक्स। अब इसको हम लिख देते हैं, इसका क्या होगा सिंपल सी बात, लॉग एक्स लॉग मॉडुलस एक्स प्लस वन माइनस फाइव फाइव बाई टू लॉग एक्स प्लस टू, ये बच्चों लॉग है प्लस फाइव बाई सिक्स लॉग मॉडुलस एक्स माइनस टू प्लस सी, ये आ गया हमारा आंसर। ये बच्चों सम्स 11 कंप्लीट हुआ। अब बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, अब अगर अंत तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब तो बनता है, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। थैंक यू, नोट इट डाउन।